दुनिया के लास्ट हंटर गैदरर हर जावी टाइप के लोग। दोस्तों ये लोग तंजानिया के जंगल में रहते हैं। दोस्तों चलिए इनके साथ हम लोग शिकार पे निकल चुके हैं। दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ये जानवर को टेस्ट करते हैं, उनका मारने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों धीरे धीरे हम जंगल की तरफ निकल चुके हैं और हम किसी भी जानवर को ढूंढने के लिए लग चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऊंचाई के ऊपर चढ़ के किसी भी जानवर को टेस्ट करते हैं और उनको ढूंढने का कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इनके साथ धीरे धीरे अपने कुत्ते के साथ जंगल के बीच में काफ़ी अंदर आ चुके हैं। दोस्तों देखते हैं कि आज किस किस प्रकार के जानवर को मारते हैं और उनका मारने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि लास्ट में किस प्रकार से जानवर को मारते हैं तथा इनका मारने का प्रोसेस क्या था। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बारीकी से किसी भी जानवर को ये लोग ट्रेस करते हैं और इनका ट्रेस करने का कुछ प्रोसेस इस प्रकार से होता है। दोस्तों धीरे धीरे ये काफ़ी टाइम हो गया है, देख सकते हैं कि ये लोग अपने किसी भी जानवर को ट्रेस करने में लगे पड़े हैं। दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे कि जानवर को मारने के बाद किस प्रकार से घर पे ले चलते हैं और इनका बनाने का प्रोसेस क्या होता है और किस प्रकार से ये बनाते हैं, डायरेक्टली उसको भूज देते हैं या पीस काट काट के उसको भूजते हैं, और इनका काटने का प्रोसेस क्या होता है, बनाने का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से बनाते हैं और रहने का क्या प्रोसेस है, पूरा विवरण का दोस्तों पूरा ब्यूरो इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एक चीज़ है, इनका जो कुत्ता होता है बहुत ही वफादार होता है और इनके शिकार करने में बहुत ही हेल्प करता है। किसी भी ये जानवर को जब ट्रेस करते हैं वो भागने में भाग जाता है, ये लोग किसी भी जानवर को पकड़ नहीं पाते हैं, तो इनका कुत्ता जो होता है वो काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनको किसी भी प्रकार का जानवर या पक्षी किसी पेड़ पर दिखा हुआ है। दोस्तों देखते हैं कि लोग जब किसी भी जानवर को मारते हैं तो डायरेक्टली मार पाते हैं या निशाना इनका मिस हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये भाई जो है अपना निशाना लगा चुका है। देखते हैं कि किस प्रकार के जानवर को मारता है और मारने के बाद इनको क्या मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं कि जो इस जानवर को ये टेस्ट कर रहे थे शायद वो उड़ गया है या इसको मिल नहीं पाया। दोस्तों देख सकते हैं धीरे 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 ये किसी भी प्रकार से उसको मारने की कोशिश में लगा पड़ा है। दोस्तों देखते हैं कि ये उस जानवर को या उस पक्षी को मार पाता है कि नहीं मार पाता है। चलिए दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है और किस प्रकार से ये जानवर को मारता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जिस जानवर के पीछे लगा पड़ा है या जिस पक्षी के पीछे लगा पड़ा है वो उड़ जा रहा है, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बेहद ही अपने अंदर उमंग से। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनका रहने का प्रोसेस होता है, कुछ इस प्रकार से रहते हैं। दोस्तों एक चीज़ है, ये लोग काफ़ी स्मोकिंग करते हैं क्योंकि कभी भी ये जंगल में निकलते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं तो ये थक जाते हैं, और थकने के बाद ये लोग मिलजुल के बाट के स्मोकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग बहुत गलत बात है। और दोस्तों ये लोग पहले के ज़माने के तरह आज भी अपना जीवन केवल जंगल के अंदर ही व्यतीत करते हैं और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से इनको फील होता है। दोस्तों देख सकते हैं, चलिए लास्ट में देखते हैं कि इनके रहन सहन क्या होता है। दोस्तों ये खाना कैसे बनाते हैं, इनका बनाने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों देख सकते हैं कि इस साइड जो दूसरा इनका भाई था चाहे या इनका कोई फ्रेंड था वो नशे में अपने भूत हो चुका है, और देख सकते हैं कितना मगन से होके दोस्तों नशा को कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों चलिए दोस्तों हम इनके साथ लास्ट में अभी ये जब स्मोकिंग कर लेंगे तो अपने शिकार के अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे और देखते हैं किस किस प्रकार से ये किसी भी जानवर को ट्रेस करते हैं और उनका मारने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ धीरे धीरे इनके जो अलग पार्टनर थे ये लोग अपने शिकार के लिए निकलने वाले हैं, और देख सकते हैं जो ये तीर था जिससे ये लोग शिकार करते हैं कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों धीरे धीरे ये लोग शिकार के लिए जंगल में निकल चुके हैं, और देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बैठने के बाद ये लोग फिर अभी चलेंगे जंगल में और देखते हैं दोस्तों कि ये लोग शिकार किस प्रकार से करते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों काफ़ी टाइम तक घूमने के बाद इनको किसी प्रकार का भी शिकार हाथ नहीं लगा तो ये लोग अभी विश्राम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम घूमते घूमते ये लोग थक चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं लास्ट में इनको किस प्रकार का शिकार मिलता है और शिकार को मार के लाने के बाद क्या करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये अभी जंगल में निकल चुके हैं और आग जला के लगे पड़े हैं। दोस्तों आग जलाने के बाद देखते हैं किस प्रकार के जानवर को भूजते हैं, उनका भूजने का तरीका क्या होता है और किस प्रकार के जानवर को ये भूजते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार के जानवर को ये भूजते हैं और इनका भूजने का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों देख सकते हैं किसी प्रकार के अभी जानवर को ये नहीं भूज रहे हैं, इनका कुछ अलग ही विचार था या अभी इन लोगों को स्मोकिंग करने से मन नहीं भरा है। ये लोग जब फुल नशे में हो जाएंगे और स्मोकिंग कर लेंगे तो ये लोग
जंगल में निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार से जानवर का शिकार करते हैं। दोस्तों लगता है ये लोग शिकार करने के लिए आज नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।